ओम श्री परमात्मने नमः। मैं हरि ओम वत्स। श्रीमद् भगवत गीता के 8वें अध्याय में आपका स्वागत करता हूँ। इस अध्याय का नाम अक्षर ब्रह्म योग है। इसमें मैंने इस अध्याय के सभी श्लोकों को गाया और उनका अर्थ कहने का प्रयास किया है। इसमें हुई त्रुटियों के लिए मैं ईश्वर से क्षमा की याचना करता हूँ और आपसे भी निवेदन है कि कृपया उनके लिए मुझे माफ करें। और आइए इसको सुनने का प्रयास करते हैं। हरिओम। अर्जुन उवाच, किम तद ब्रह्म किम आध्यात्मम किम कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतं च किं प्रोक्तं अधिदेवं किमुच्यते। अर्जुन ने कहा, हे पुरुषोत्तम, वह ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, अधिभूत नाम से क्या कहा गया है और अधिदेव किसको कहते हैं। हरिओम। अधियज्ञ है कथम कोत्र देहे अस्मिन् मधुसूदन प्रयाण काले च कथम गेयोसि नियतात्मभिः। हे मधुसूदन, यहाँ अति यज्ञ कौन है और वह इस शरीर में कैसे है, तथा युक्त चित्त वाले पुरुषों द्वारा अंत समय में आप किस प्रकार जानने में आते हैं। हरिओम। श्री भगवान वाच, अक्षरम ब्रह्म परमं स्वभावोध्यात्ममुच्यते भूत भावो उद्भव करो विसर्गे कर्म संगितः। श्री भगवान ने कहा, परम अक्षर ब्रह्म है, अपना स्वरूप अर्थात जीवात्मा अध्यात्म नाम से कहा जाता है, तथा भूतों के भाव को उत्पन्न करने वाला जो त्याग है वह कर्म नाम से कहा गया है। हरिओम। अधिभूतम क्षरो भावे पुरुषश्चाधिदेव्यतम अधियज्ञोऽहमेवात्र देहे देव्रतां वर। उत्पत्ति विनाश धर्म वाले सब पदार्थ अधिभूत हैं। हिरण्यमय पुरुष अधि देव है और हे देहधारियों में श्रेष्ठ अर्जुन, इस शरीर में मैं वासुदेव ही अंतर्यामी रूप से अधि यज्ञ हूँ। हरिओम। अंतकाले च मामेव मरण मुक्त्वा कलेवरम् ये प्रयाति स मद्भावम् याति नास्तयत्र संशय। जो पुरुष अंतकाल में भी मुझको ही स्मरण करता हुआ शरीर को त्याग जाता है वह मेरे साक्षात स्वरूप को प्राप्त होता है, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। हरिओम। यम यम वापि स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। हे कुंती पुत्र अर्जुन, यह मनुष्य अंतकाल में जिस जिस भी भाव को स्मरण करता हुआ शरीर त्याग करता है उस उसको ही प्राप्त होता है, क्योंकि वह सदा उसी भाव से भावित रहा है। हरिओम। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युद्ध च मये अर्पित मनो बुद्धि मामेवैश्यस्य संशयम्। इसलिए हे अर्जुन, तू सब समय में निरंतर मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर। इस प्रकार मुझ में अर्पण किए हुए मन बुद्धि से युक्त होकर तो निसंदेह मुझको ही प्राप्त होगा। हरिओम। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना
परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिन्तयन्। हे पार्थ, यह नियम है कि परमेश्वर के ध्यान के अभ्यास रूप योग से युक्त दूसरी ओर न जाने वाले चित्त से निरंतर चिंतन करता हुआ मनुष्य परम प्रकाश रूप दिव्य पुरुष को अर्थात परमेश्वर को ही प्राप्त होता है। हरिओम। कविं पुराणम् अनुशासितारम् अणोरणीयां समनुस्मरेद्य सर्वस्धातारं चिन्त्यरूपम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् प्रयाण काले मनसा चलेन भक्तया युक्तो योग बलेन चेव भ्रुवोर्मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक् सैतं परम पुरुषमुपेति दिव्यम्। जो पुरुष सर्वज्ञ अनादि सबके नियंता सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म सबके धारण पोषण करने वाले अचिंत्य स्वरूप सूर्य के सदृश नित्य चेतन प्रकाश रूप और अविद्या से अति परे शुद्ध सच्चिदानंद घन परमेश्वर का स्मरण करता है वह भक्ति युक्त पुरुष अंत काल में भी योग बल से भ्रकुटी के मध्य में प्राण को अच्छी प्रकार स्थापित करके फिर निश्चल मन से स्मरण करता हुआ उस दिव्य रूप परम पुरुष परमात्मा को ही प्राप्त होता है। हरिओम। यदक्षरम वेद विदो वदन्ति विशन्ति यद्यतयो वीतरागः यदीच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तते पद्म संग्रेण प्रवक्षये। वेद के जानने वाले विद्वान जिस सच्चिदानंद घन रूप परम पद को अविनाशी कहते हैं आसक्ति रहित यत्नशील सन्यासी महात्मा जन जिसमें प्रवेश करते हैं और जिस परम पद को चाहने वाले ब्रह्मचारी लोग ब्रह्मचर्य का आचरण करते हैं उस परम पद को मैं तेरे लिए संक्षेप में कहूंगा। हरिओम। सर्वद्वाराणि संयम्य मनोहृदि निरुद्धय च मूर्धन्याधयात्मनः प्राणम् आस्तितो योगधारणाम् ओमित्ययेकाक्षरं ब्रह्म वयाहरन्मामनुस्मरन् यः प्रयाति तैजन्यदेहं स याति परमां गतिम्। सब इंद्रियों के द्वारों को रोककर तथा मन को हृदय में स्थिर करके फिर उस जीते हुए मन द्वारा प्राण को मस्तक में स्थापित करके परमात्मा संबंधी योग धारणा में स्थित होकर जो पुरुष ओम इस एक अक्षर रूप ब्रह्म का उच्चारण करता हुआ और उसके अर्थ स्वरूप मुझ निर्गुण ब्रह्म का चिंतन करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है वह पुरुष परम गति को प्राप्त होता है। हरिओम। अनन्यचेतः सततम् यो मां स्मृति नित्यशः तस्याहं सुलभे पार्थे नित्ययुक्तस्य योगिनः। हे अर्जुन, जो पुरुष मुझ में अनन्यचित होकर सदा ही निरंतर मुझ पुरुषोत्तम को स्मरण करता है उस नित्य निरंतर मुझ में युक्त हुए योगी के लिए मैं सुलभ हूं अर्थात उसे सहज ही प्राप्त हो जाता हूं। हरिओम। मामुपेते पुनर्जन्म दुखालयं शाश्वतम् नाप्नुवन्ति महात्मनः संसिद्धिं परमां गताः। परम सिद्धि को प्राप्त महात्मा जन मुझको प्राप्त होकर दुखों के घर एवं क्षण भंगुर
पुनर्जन्म को नहीं प्राप्त होते। हरिओम। आ ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तिनोऽर्जुन, मामुपेत तु कौन्तेय पुनर्जन्म नै विद्यते। हे अर्जुन, ब्रह्मलोक प्रियत सब लोग पुनरावृत्ति वाले हैं, परंतु हे कुंती पुत्र, मुझको प्राप्त होकर पुनर्जन्म नहीं होता, क्योंकि मैं कालातीत हूं और ये सब ब्रह्मादि के लोग काल द्वारा सीमित होने से अनित्य हैं। हरिओम। सहस्र युग पर्यंतम अहर्दय ब्राह्मणो विदु है, रात्रिम युग सहस्रांताम ते हो रात्र विदो जना है। ब्रह्मा का एक दिन और एक रात 1,000 चतुर्युगी अवधि वाले होते हैं। जो योगी जन इसको तत्व से जानते हैं, वे काल के तत्व को जानने वाले हैं। हरिओम। अव्यक्ताद व्यक्त यह है सर्वा प्रभवंत यह हरागमे, रात्रियागमे प्रलीयंते तत्रेवा व्यक्त संज्ञके। संपूर्ण चराचर भूतगण ब्रह्मा के दिन के प्रवेश काल में अव्यक्त से अर्थात ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर से उत्पन्न होते हैं, और ब्रह्मा की रात्रि के प्रवेश काल में उस अव्यक्त नामक ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर में ही लीन हो जाते हैं। हरिओम। भूत ग्रामे से एवायम भूत्वा भूत्वा प्रलीयते, रात्र्यागमे वसह पार्थ प्रभवत्तये हरागमे। हे पार्थ, वही यह भूत समुदाय उत्पन्न होकर प्रकृति वश में हुआ रात्रि के प्रवेश काल में लीन होता है और दिन के प्रवेश काल में फिर उत्पन्न होता है। हरिओम। परस्तस्मातु भावोन्नयो व्यक्तो व्यक्तात् सनातन है, यह से सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति। उस अव्यक्त से भी अति परे दूसरा अर्थात विलक्षण जो सनातन अव्यक्त भाव है, वह परम दिव्य पुरुष सब भूतों के नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होता। हरिओम। अव्यक्तोक्षर इत्युक्त है तमाहु परमां गतिं, यं प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। जो अव्यक्त अक्षर इस नाम से कहा गया है, उसी अक्षर नामक अव्यक्त भाव को परम गति कहते हैं, और जिस सनातन अव्यक्त भाव को प्राप्त होकर मनुष्य वापस नहीं आते, वह मेरा परम धाम है। हरिओम। पुरुष से परे पार्थ भक्तया लभस्तवन्नन्य यशांत है स्थानी भूतानी येन सर्वमिदं ततम। हे पार्थ, जिस परमात्मा के अंतर्गत सर्वभूत है और जिस सच्चिदानंद घन परमात्मा से यह समस्त जगत परिपूर्ण है, वह सनातन अव्यक्त परम पुरुष तो अन्यन भक्ति से ही प्राप्त होने योग्य है। हरिओम। यत्र काले तवान्वत्तिम आवर्तिम चैव योगिनः, प्रयाता यान्ति तं कालं वक्षयामि भर्तृषभ। हे अर्जुन, जिस काल में शरीर त्याग कर गए वे योगी जन तो वापिस न लौटने वाली गति को, और जिस काल में गए वे वापिस लौटने वाली गति को ही प्राप्त होते हैं, उन दोनों मार्गों को मैं कहूंगा। हरिओम। अग्निर्ज्योतिरः शुक्ल षण्मासा उत्तरायणम्
प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्म विदो जना है। जिस मार्ग में ज्योतिर्मय अग्नि अभिमानी देवता है, दिन का अभिमानी देवता है, शुक्ल पक्ष का अभिमानी देवता है और उत्तरायण के 6 महीनों का अभिमानी देवता है, उस मार्ग में मरकर गए हुए ब्रह्मवेता योगी जन उपयुक्त देवताओं द्वारा क्रम से ले जाए जाकर ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। हरिओम। धूमो रात्रिस्तथा कृष्ण षण्मासा दक्षिणायनम् तत्र चांद्रमसं ज्योति योगी प्राप्य निवर्तते। जिस मार्ग में धूमाभिमानी देवता है, रात्रि अभिमानी देवता है तथा कृष्ण पक्ष का अभिमानी देवता है और दक्षिणायन के 6 महीनों का अभिमानी देवता है, उस मार्ग में मरकर गया हुआ सकाम करने वाला योगी उपयुक्त देवताओं द्वारा क्रम से ले गया हुआ चंद्रमा की ज्योति को प्राप्त होकर स्वर्ग में अपने शुभ कर्मों का फल भोग कर वापिस आता है। हरिओम। शुक्ल कृष्णे गति हयते जगते शाश्वते मते एकया यातनावर्ती मन्यया वर्तते पुनः। क्योंकि जगत में दो प्रकार के शुक्ल और कृष्ण अर्थात देवयान और पितृयान मार्ग सनातन माने गए हैं। इनमें से एक द्वारा गया हुआ वापिस नहीं लौटता और परम गति को प्राप्त होता है और दूसरे द्वारा गया हुआ फिर वापिस आता है और जन्म मृत्यु को प्राप्त होता है। हरिओम। नयते श्रुति पार्थ जानन् योगी मुह्यति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योग युक्तो भवार्जुन। हे पार्थ, इस प्रकार इन दोनों मार्गों को तत्व से जानकर कोई भी योगी मोहित नहीं होता। इस कारण हे अर्जुन, तू सब काल में संबुद्धि रूप से योग से युक्त हो अर्थात निरंतर मेरी प्राप्ति के लिए साधन करने वाला हो। हरिओम। वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत् पुण्य फलम् प्रदिष्टम् इत्येतत् सर्वमिदं विदित्वा योगी परम स्थानमुपेति चाद्यम्। योगी पुरुष इस रहस्य को तत्व से जानकर वेदों के पढ़ने में तथा यज्ञ तप और दानादि के करने में जो पुण्य फल कहा जा है उन सबको निःसंदेह उल्लंघन कर जाता है और सनातन परम पद को प्राप्त होता है। हरिओम। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे अक्षर ब्रह्म योगो नामष्टमो अध्याय। इस प्रकार उपनिषद ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र रूप श्रीमद् भगवत गीता के श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में अक्षर ब्रह्म योग नाम का 8वां अध्याय संपूर्ण हुआ। आशा है आपको ये प्रयास अच्छा लगा होगा। आप चाहें तो इसको दूसरों के साथ शेयर कर सकते हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जय श्री कृष्ण।